अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग हैं आज अनीस गुड फॉर्म पर और पिछली वीडियो माशाल्लाह बहुत हीट रही, आप लोगों ने बहुत पसंद किया भाई। हम लोग हैं अनीस गुड फॉर्म के होम सेटअप पर और आप लोगों के लिए कुछ और यहाँ पर के ब्रीडर दिखाने वाले हम लोग। माशाल्लाह इस सेटअप पर कई ब्रीडर्स आए, कई ब्रीडर्स गए, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीज़ें हम आप लोगों को तक नहीं ला पाए, लेकिन माशाल्लाह एक और बकरा और इसके बाद इंशाल्लाह एक और चीज़ आप लोगों के लिए दिखाने वाले। सानियन शौकीनों ने पिछले वीडियो को बहुत पसंद किया और इंशाल्लाह मैं ये उम्मीद करूंगा ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए दानिश भाई जो कि ओनर है इस अनीस गुड फॉर्म के, तो उनसे बात करेंगे और बकरों के बारे में पूछेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दानिश भाई अस्सलाम वालेकुम। भाई पिछला वीडियो लोगों ने काफ़ी पसंद किया अलहमदिल्ला, और हमारा ये मेन मकसद है वीडियो बनाने का भाई आपके पास के कुछ और ब्रीडर है वो दिखाना है लोगों को। ठीक है, यहाँ पर हम दो बकरे दिखाएंगे और ये आपके घर पे सेटअप है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए भाई, ये बकरे का पहले नाम से ही शुरुआत करेंगे। इसका नाम चौश है। चौश नाम है इसका। ठीक है, और भाई चौश की एट प्रेजेंट क्या रिटेल है? ये अभी 8 रात फ्रेश करा और ये इम्पोर्ट लाइन का है, प्योर इम्पोर्ट। ये प्योर आई एम पी है। ठीक है, 8 दांत का बकरा है और भाई लेंथ इसकी खत्म ही नहीं हो रही है। लेंथ बहुत बड़ी है इसकी। और भाई इसके जो हॉर्न्स का साइज है बहुत एक्सट्रीम हॉर्न्स है, जिसको हॉर्न्स का ज्यादातर शौक है। कितने आएंगे दानिश भाई इंचेस इसके हॉर्न्स के? तकरीबन 2 फीट तक आएंगे। 2 फीट तक के सिंग है। और मैंने जैसे रिपीट किया कि भाई बहुत ज्यादा लेंथी बकरा है ये। अपने पास इसकी ब्रीडिंग वगैरह हुई थी दानिश भाई? हाँ, इसके 2-4 बच्चे है अभी। 2-4 बच्चे दोनों। अच्छा, यहाँ पर देने जैसे कुछ बच्चे मिलेंगे अपने को औरंगाबाद में कोई अगर शॉप करना चाह रहा है इसके? हाँ, अभी दो मेल है। दो मेल है इसके। ठीक है, और ये है भाई चाउश। थोड़ा छोड़ सकते हैं अपने को, उसको छोड़ो, पकड़ो। बकरे की क्वालिटी देखिए आप लोग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी, प्योर आई एम पी बकरा माशाल्लाह। दानिश भाई जैसे आप ब्रीडिंग करवाते हो सानियन की, ज्यादातर तो आपका फोकस वेट पे नहीं रहता होगा? नहीं, फिर भी एट द मोस्ट कहाँ तक गया था इसका वेट लास्ट टाइम? ये 80-90 किलो। 80-90 केजी। हाँ माशाल्लाह, क्योंकि पोटेंशियल तो बहुत है इस बकरे में और मैं समझता हूँ अगर कोई इस पे मेहनत करे तो आराम से 1 क्विंटल ले जाना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, क्योंकि चीज वैसी है माशाल्लाह, बहुत बड़ी लेंथ का बकरा है। छोड़ो छोड़ो, आप इसको छोड़ दो। इसके हथियार का साइज देखे आप लोग माशाल्लाह। आ जाओ इधर, जान का खतरा हो जाएगा नहीं तो। ये देखे आप लोग बकरा, चीज देखे भाई, इसकी दाढ़ी देखे माशाल्लाह, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज है। आइए आप साथ में। गुड्डू भाई, जो मेन इम्पोर्टेंट है जो आईएमपी आता उसके दाढ़ी ज्यादातर बहुत बड़ी आती है, ये नोटिसेबल है एक चीज, दाढ़ी बहुत बड़ी है इसकी माशाल्लाह। और लेंथ वगैरह देखे, हाइट देखे। अभी इससे ब्रीडिंग चालू है या इससे रुका लिया अभी दानिश भाई? चालू है अभी इससे ब्रीडिंग। तो ये पहला बकरा अनीस गुड फॉर्म का, इसका नाम है चाउश। आइए आप लोगों के लिए दूसरा बकरा भी दिखाते हैं भाई। दोस्तों आप लोगों को एक और नायाब चीज दिखा रहे हैं अनीस गुड फॉर्म की, और भाई पिछली वीडियो जैसे मैंने बताया लोगों ने बहुत पसंद किया, इंशाल्लाह ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत मजा आएगा देखने में, क्योंकि भाई एक और जो चीज निकाले आप लोगों के लिए सानियन नवल के लिए एक और बड़ी तूफानी चीज है। दानिश भाई इस वाले बकरे की क्या डिटेल है? भाई ये भी फ्रेश 2 दांत करा। हाँ हाँ, ये नेदरलैंड का है। ये भी प्योर नेदरलैंड। ये केवल 2 दांत का है जी, अभी फ्रेश निकाला। अच्छा, फ्रेश निकाला भाई। इसकी लेंथ देखे, लेंथ के साथ साथ ये बकरे में हाइट बहुत है। कितनी रहेंगी एक अंदाजन हाइट आपके अंदर? 34 भाई, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी। और ये बकरे की ये जो लेंथ है, आप लोग ये लेंथ चेक करें, ये टेरिस पर बहुत छोटी जगह पर हम ये वीडियो शूट हो रहा है, लेकिन जितना हो सकता है मैं उतना बकरा आप लोगों के लिए कवर कर रहा हूँ। बकरा देखे आप लोग, नेदरलैंड ब्रीड। और नाम क्या है दानिश भाई इसका? इसका नाम घामर। घामा 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 घामा, फेमस रेसलर घामा जी। ओके भाई, रेसलिंग के काम की चीज। और ये देखे भाई इसका थिकनेस माशाल्लाह। आपको स्पेसिफिकली क्या पसंद आता है? यानी दोनों बकरे डिफरेंट है, उसकी सिंग बहुत ज्यादा बड़ी है, इसकी सिंग बहुत ज्यादा चौड़ी है। आपको सिंग चौड़े पसंद आते हैं या बड़े सिंग, जैसा आपकी क्या टेस्ट है? सिंग चौड़े अच्छे। सिंग चौड़े, खूबसूरती ज्यादा बढ़कर आती है। और भाई ये अपने आप में एक नगीना है, आप लोग इसका चेहरे का ब्रॉडनेस देखे। दानिश भाई क्या अपेक्षा है इस बकरे से, और बढ़ाएगा ये? अभी बढ़ाएंगे अभी। हाँ, अभी तो बहुत यंग है ना। हाँ, बढ़ाएंगे। और एट प्रेजेंट देखिए आप लोग इसका स्ट्रक्चर वगैरह माशाल्लाह। उसको रस्सी से पकड़ सकते थोड़ी देर के लिए? चीज देखिए आप लोग, लाजवाब माशाल्लाह। सो ये है घामा ऑफ अनीस गुड फॉर्म औरंगाबाद। चीज देखिए भाई, नायाब चीज है माशाल्लाह।
अभी तो ये आगे चल के इसकी ब्रीडिंग होगी, अभी कुछ ब्रीडिंग नहीं रहेगी इसकी। फिर मिनिमम कितनी एज पर ब्रीडिंग करवाते हैं अपन अपने सेटअप पर? दो दांत के बाद ही। ठीक है, माशाल्लाह चीज है भाई। दोस्तों बताइए आप लोगों को कैसा लगा घामा ऑफ अनीस गुड फॉर्म औरंगाबाद। ये शायद से आपके पास का फोर्थ ब्रीडर, चौथा ब्रीडर है ना? हाँ। दो फार्म पर दिखाए थे और ये फोर्थ नंबर का। ठीक है, कुछ और बच्चे अपने पास, इंशाल्लाह लोगों को वो भी दिखाते हैं हम। दानिश भाई माशाल्लाह बच्चा दिखा रहे हैं, हम फार्म पर भी दो तीन बच्चे दिखाए। भाई ये वीडियो शो पर्पस से तो बन रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा भाई, बहुत लोग उम्मीद से देख रहे हैं वीडियो, पिछली वीडियो भी बहुत लोगों ने देखा, तो भाई कुछ ना कुछ हमारे व्यूअर्स को जो हमारी वीडियो देख रहे हैं देंगे या नहीं देंगे? जैसा फॉर एग्जाम्पल यही बच्चा जो है, पहले ब्लड लाइन बताओ आप कौन सी ब्लड लाइन का है? ये सिकंदर का बच्चा है। सिकंदर जो हमने फार्म पे शूट किया था उसका बच्चा है। और डिटेल क्या है इसकी? ये अभी 4 महीने का है। 4 महीने का है भाई। लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं करीब से दिखाना चाहूंगा इसके सींगों की जो थिकनेस है। तो दानिश भी मैं ये बात कर रहा था भाई, हमारी दूसरी वीडियो बन रही है अनीस गुड फॉर्म पर की, लोगों को उम्मीद रहेगी कि भाई हमें कुछ शौक करने के लिए मिले, तो क्या ये बच्चा मिलेगा उनको? इरादा तो है देने का। अच्छा, अच्छा दाम आया तो दे देंगे इंशाल्लाह। अच्छा इरादा है इंशाल्लाह, कोई इसका दाम लगाता है तो दे देंगे। वैसे ये जो सेटअप है अपना, ये कहाँ पर है एग्जैक्ट औरंगाबाद में? ये मिल कॉर्नर पे है। ठीक है भाई, ये है बेटा सिकंदर का, जो कि हमने रिसेंटली शूट किया आप लोगों के लिए। और माशाल्लाह क्वालिटी देखे भाई बच्चे की, सींग की थिकनेस देखे। और आजकल ये जो सींग है खड़ी सींग, दानिश भाई ये बहुत ट्रेंडिंग है, लोगों को खड़ी सींग में काफी दिलचस्पी है। तो बच्चा देखे आप लोग, और फर भी काफी अच्छे नजर आ रहे हैं उसके बॉडी पे, फर बाल वगैरह। सो इसका जो भी रहेगा वो तो आपके वाले सबसे बात करना पड़ेगा, इरादा है पर देने का। हाँ। है ना? तो ये है बेटा सिकंदर का, 4 महीने का। चार महीने का। ठीक है, आइए एक दूसरा एक और बकरा है वो लोगों को दिखाते हैं हम। चलिए दानिश भाई अपने फार्म का लास्ट मेल है ये। हाँ। ये कौन से ब्लड लाइन से आएगा? ये खबीब का है। ये खबीब का है जी। और क्या उम्र है इसकी? ये 6 महीने का है। ये 6 महीने का है। और लेंथ और हाइट बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है माशाल्लाह बच्चे की। चेहरा इधर करो मुनीत, बच्चे का चेहरा देखिए आप लोग, थोड़ा मैं करीब से दिखाऊंगा, जस्टिफाई नहीं करते वीडियोस, आप लोगों को लाइव आके देखना पड़ता है। आप लोग चीज देखे भाई माशाल्लाह, इसका बफ वगैरह देखे और सिंग की बनावट देखे, एकदम खड़े सिंग जा रहे, 6 महीने का जी। और मैं हल्का सा जैसा एक नोटिस कर रहा हूँ दानिश भाई, इसके लेग्स में थोड़ा सा क्रॉस है क्या? आगे के पैर थोड़े क्रॉस है, हल्के से क्रॉस नजर आ रहे है ना, वी शेप जैसा आता है। तो ये है खबीब लाइन का बच्चा, माशाल्लाह लोलक वाला है। और क्या बोलते हैं, अगर कोई आया है तो देंगे ये वाला भी? जी दे देंगे इंशाल्लाह, ये भी दे देंगे। हाँ। ठीक है, छोड़ो उसको मुनीप, छोड़ो, बच्चे का फ्रेम देखे, पेटी देखे, साइज देखे आप लोग माशाल्लाह। खबीब लाइन का बच्चा 6 महीने का, और चीज आप लोगों के सामने है दोस्तों, बहुत बढ़िया चीज है माशाल्लाह। ये भी अपने फार्म की है ब्रीड। हाँ, घर का बच्चा है। घर का बच्चा है, ये बहुत आला है माशाल्लाह। तो ये फार्म पर इतना ही था अपने, 4 बकरे। हाँ वैसे ठीक है, घर पे भी 4। ये घर पे है 4, जिसमें से इंशाल्लाह 2 का इरादा की हो, किसी को समझ में आ रहा है तो आप लोग अनीस भाई से कांटेक्ट करके इनके बारे में आगे की डिटेल्स ले सकते हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका दानिश भाई, इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो कुछ और दिखाएंगे अगली बार। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम।